हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेकामन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक स्टूडेंट्स है तो आप आज की इस वीडियो में आपको ऐसे पांच एप्स बताऊंगा जो कि हर एक स्टूडेंट्स के बहुत काम आ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है ये पांच एप कौन कौन से है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दे, और उसके बगल में आपको एक बेल का आइकन भी दिखेगा तो उस पर भी क्लिक कर दे। तो फ्रेंड्स, बिना आपका समय गवाए चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा पहला एप्लीकेशन है वो है कैम स्कैनर। तो कैम स्कैनर जो है वो आपको डॉक्यूमेंट पे बहुत काम आ सकता है। कुछ मतलब स्टूडेंट्स को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं तो आप इस ऐप की मदद से बहुत सारे डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हैं। इसको यूज करना बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको बताऊँ। आपको इसको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर ले, उसके बाद इसे ओपन करें। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करने को बोला जाएगा, तो आप इसमें अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के रजिस्टर कर ले। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या दिखेगा। आप विदाउट रजिस्टर किए भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक स्टार्ट का स्कैनिंग का ऑप्शन दिखता है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ आपको इस तरीके का दिखता है, मैं आपको बताऊँ। तो फ्रेंड्स, इसको आप कट करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स हो गया, आईडी फोटो हो गया, आईडी फोटो उसके जो साइज है उसको भी आप कर सकते हैं। अगर आप अपना फोटो जो पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह अगर आप कहीं पे फिल करना चाहते हैं तो आप उसको भी इसकी मदद से बड़ी आसानी से स्कैन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो दूसरे नंबर का यहाँ पे एप्लीकेशन है वो है एग्जाम काउंटडाउन। तो फ्रेंड्स, एग्जाम के टाइम पे हम लोग डेली सोचते रहते हैं कितने दिन रह गए इस वाले एग्जाम के, कितने दिन रह गए इको के, कितने दिन रह गए पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के, कितने दिन रह गए। तो आप इस ऐप को सिंपल सा प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिखता है, तो आप प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपने जो डिटेल है वो डाल दो। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम वगैरह पूछा जाएगा, तो आप ये सारी चीजें फिल कर दोगे। तो आपको यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं 12 आवर्स लेफ्ट, तो 12 घंटे बचे हुए हैं इस मेरे एग्जाम में। तो आप यहाँ पे डेट वगैरह सब कुछ डाल के अपने एग्जाम के बारे में यहाँ से जान पाओगे बड़ी आसानी से। फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरे एप्लीकेशन की बात करूँ तो तीसरा एप्लीकेशन है हमारा माई सीबीएसई। तो माई सीबीएसई गाइड आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इसमें ये आपको फायदा है कि आपको नोट्स हो गए या फिर आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया जाएगा, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का आपको सारा सिलेबस इसमें मिल जाएगा। आर डी शर्मा जैसी बड़ी बड़ी बुक्स के भी सिलेबस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो आप इसमें सिंपल सा डाउनलोड करके लॉग इन कर सकते हैं, उसके बाद आप इसमें से पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर चौथे एप्लीकेशन की बात करूँ तो चौथा एप्लीकेशन हमारा आता है विकिपीडिया। तो आप विकिपीडिया को भी जरूर से अपने फोन में रखें, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी चीजें जो मतलब बहुत सारी यूजफुल चीजें मिल जाएगी अगर आप इसको यूज करेंगे। आप नॉर्मली तो इसमें किसी भी चीज के बारे में सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें कुछ न्यूज और कुछ इम्पोर्टेंट चीज भी फ्लैश होता है जिसको आप बड़े ही आसानी से पढ़ के मतलब दूसरों से ज्यादा नॉलेज आप इस एप्लीकेशन की मदद से रख पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर पांचवा एप्लीकेशन की बात करूँ तो ये है हमारा फोटोमैथ एप्लीकेशन। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे एप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो फोटोमैथ एप्लीकेशन है आप इसको सिंपल सा डाउनलोड करें, आपको लेट्स गो का ऑप्शन आएगा उसके बाद स्किप कर दे। तो आप कई बार अपना मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आपको उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी, वो सॉल्व नहीं हो पाता। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप हर टाइम इस एप्लीकेशन का यूज करें। अगर आप 12th या उससे ऊपर की क्लासेस के हैं तभी आप इसको यूज कर ले, क्योंकि अगर आप 12th या 10th क्लास में तो आप मतलब उससे सॉल्व करना सीखे वही आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसको यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताऊँ। आपको इसमें कैमरे का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको पहले लॉग इन कर ले। तो फ्रेंड्स, आप इसको बड़ी आसानी से फेसबुक ईमेल आईडी या फिर गूगल अकाउंट से भी आप इसमें साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको साइन इन करने के बाद दिखाता हूँ कि आपको इसमें कैसे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें देखिए जैसा कि सिंपल सा स्कैन का ऑप्शन दिखता है, तो आप इसमें कोई सा भी अगर आपके पास मैथ्स के क्वेश्चन है तो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, और स्कैन करने के बाद आप क्लिक कर दे तो उसका जो मतलब आंसर आएगा वो आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से आपका जो मैथ का क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, यही थे वो पांच ऐप जो एक स्टूडेंट के बहुत काम आ सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पांचों ऐप्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपनी तरफ से इस वीडियो को एक लाइक कर दे, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी पांच ऐप्स को यूज कर पाए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।